हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चार्टिस्ट आर्टिस्ट। बड़े मूव के लिए तैयार है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। वेलकम टू माय वीडियोस। डिस्क्लेमर, ग्लोबल सेंटिमेंट बुलिश हो गए हैं वापस। यूएस तो पूरा वेरी बुलिश फॉर्म में है। यूरोपियन मार्केट वेरी बेरिश से न्यूट्रल और वेरी बुलिश फॉर्म में आया है। गिफ्ट निफ्टी अभी 23,633 पे है। 100 पॉइंट ऑलमोस्ट प्लस है, तो कल गैप अप खुलेगा मार्केट। तो देखते हैं कल एक बार पहली 5 मिनट्स में अगर मार्केट नीचे आता है बाई के साइड सोचिएगा। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा घटा है 0.33 और परसेंटेज में टोटल हुआ है 105.49। कल 780 के आजू बाजू था। यूएसडी INR 83.47, वो भी 0.08 घटा है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड स्ट्रॉन्ग है और यूरो वर्सेस इंडियन रुपीज़ में यूरो अभी भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है बट 89.50, और जैपनीज येन थोड़ा हल्का सा वीक हुआ है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। और क्रूड 81 पे था। मतलब मार्केट अगर कल करेंसी के व्यू से देखा जाए तो बाउंस लेना चाहिए। DII ने सेलिंग किया है 820 करोड़ का, FII ने सेलिंग किया है 653 करोड़ का। माई व्यू, FII का माइनर सेलिंग है और DII का प्रॉफिट बुकिंग है। निफ्टी 50 रेडी फॉर बिग मूव। बैंक निफ्टी बिग मूव इज़ कमिंग। 52,000 ब्रेक, कल शायद 52,000 ब्रेक करेगा मार्केट और 52,500 के करीब जा सकता है, और वो ब्रेक किया तो 53,000 भी जा सकता है। टुडेज टेक्निकल कंसेप्ट मैंने अभी कोई नहीं लिया है। HDFC में मैंने टारगेट दिया था 1700 को, ऑलमोस्ट 1680 तक चल रहा है गाइस। ये हम बात कर रहे थे 1550 से, तो अभी देखिए 100-150 पॉइंट के करीब मार्केट प्लस हो गया। HDFC बैंक इक्विटी ऑप्शन जितने करते होंगे उसको पता होगा। गिफ्ट निफ्टी अभी भी वहीं पे है, मार्केट बुलिश तो हुआ है और अभी तो बुलिश फॉर्म में चल रहा है। अभी एडवांसिंग डिक्लाइनिंग स्टॉक, एडवांसिंग 1421 स्टॉक, डिक्लाइनिंग 1277 स्टॉक, तो बुलिश साइड है। और स्टॉक इक्विटीज़ के लिए है HDFC बैंक, HCL, इन्फी, बजाज फाइनेंस। निफ्टी 50 में इंट्राडे एंड स्विंग लेवल 23,500 सपोर्ट का काम करेगा अगर आया तो। बाकी कल थोड़ा ज़्यादा गैप अप खुलने के चांसेस है, वहीं से निकल जाएगा। और टारगेट मेरा 23,730 का पेंडिंग है, वो आने के बाद देखते हैं 23,850 और 24,000 तक के लेवल भी आ सकते हैं। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्विंग, बैंक निफ्टी के लिए मैंने स्पेसिफिकली लिखा है 1700 पॉइंट का एक स्विंग आ सकता है अपसाइड और डाउन साइड 1700 पॉइंट का, क्योंकि यहाँ से मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करेगा तो बड़ा मूव है गाइस। यहाँ से आप स्ट्रेडल ले सकते हो, कल 2 वीक की एक्सपायरी 300-300 रुपये वाला प्रीमियम ले लीजिएगा। कोई सिंगल साइड एक बड़ा मूव आने का चांसेस है। बट अगर कल 500 पे मिलता है बाय चांस, बैंक निफ्टी अगर गैप अप नहीं खुलता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो फिर या बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए, अगर फ्लैट खुला तो ठीक है तो बाइंग साइड सोचेगा, अगर गैप डाउन खुला तो नेगेटिव हो जाएगा। माय मोटो इज़ टू रिड्यूस नंबर्स ऑफ लॉस मेकिंग रिटेल ट्रेडर्स ओनली। 5% इंप्रूवमेंट कैन बी ए बिग अचीवमेंट फॉर मी। लेवल्स ऑन चार्ट, तो चलो गाइस चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। तो गाइस हम आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पे। 1 आवर का टाइम फ्रेम है गाइस, मैं आपको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ अभी, तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाए। देखिए ये अभी है अपना डेली है, मैं वीकली कर देता हूँ एक बार। ये वीकली टाइम फ्रेम है, अगर आप देखोगे तो वीकली आज सपोर्ट लिया है यहाँ पे, एग्जैक्ट मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके बाउंस कर लिया है, और ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये टूटा कल तो फिर एक नई अपसाइड देखेंगे, नया एरिया स्टार्ट हो सकता है ऊपर की साइड पे, तो फिर वो बड़ा मूव है। देखते जाएगी कहाँ कहाँ का कौन से टारगेट मिलते हैं अपने को। एक तो निकल के आ रहा है, बहुत बड़ा टारगेट है एक्चुअली, उसकी बात है। बड़े टाइम फ्रेम पे के, बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ गाइस, तो ज़्यादा टाइम लगाएगा।
देखो ये लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर निकल सकता है, या फिर एक बार ये दो पॉसिबिलिटी है, अगर ये रिटेस्ट के लिए आया तो यहाँ तक भी आ सकता है, बट ये मुझे चांसेस कम लग रहा है। ठीक है, अगर नीचे आया तो डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो जहाँ से मार्केट गिरा था उससे ऊपर अभी सपोर्ट लेके रखा है मार्केट ने, और एक रेजिस्टेंस अगर बोला जाए तो गाइस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैं दिखा देता हूँ, ये एक हैंगिंग मैन कैंडल है, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, कल 51,850 के ऊपर कॉल ले सकते हैं, अगर ऊपर खुलता है तो वेट कीजिए यहाँ पे आने का, मोटा मोटा यहाँ तक तो एटलीस्ट आएगा एक 51,782 या फिर 51,714 अगर ऊपर खुलता है तो, इतना अगर नीचे आता है तो यहाँ पे कम एसएल होगा, यहाँ से कॉल ले सकते हैं। वन आवर में देखते हैं गाइस। ठीक है, तो डबल बॉटम बनाया है अभी, आप देख सकते हो डबल बॉटम, ये फर्स्ट बॉटम है, ये डब्ल्यू बना दिया है इसने, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आके ऐसे जा सकते हैं मार्केट, तो ऊपर की साइड सोच रहा हूँ गाइस, क्योंकि एग्जिट रेजिस्टेंस के पास डबल बॉटम बनाना ये एक अच्छी पॉजिटिव साइन है, यहाँ से ब्रेक मिला तो एक बड़ा अपसाइड देखने को मिल सकता है, जैसे ये कैंडल आई थी वैसी कैंडल आ सकती है। ठीक है, अभी चलते हैं निफ्टी फिफ्टी पे, ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है गाइस, बड़ा कंसोलिडेशन हो चुका है, अभी एक बुल रन बाकी है निफ्टी फिफ्टी में, तो आ सकता है कल बुल रन, कोई बड़ी बात नहीं, अगर यहाँ से निकल गया 600 के ऊपर से तो बड़े टारगेट के लिए देखिए, कल ट्राई करिए ट्रेल करते करते चलिए, 5 पॉइंट 10 पॉइंट जितना भी बढ़ता है ट्रेल करते करते चलिए, और लंबे ट्रेड के लिए होल्ड कीजिए, निफ्टी फिफ्टी में मैं बोल सकता हूँ 10 से 15 पॉइंट का एसएल इनफ है, ट्रेलिंग एसएल 10 पॉइंट या 15 पॉइंट का ट्रेलिंग एसएल लेके चलिए, आराम से निकल जाएगा गाइस। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और बाकी सभी रिटेल ट्रेडरों को भी भेजें जिससे हम उनका लॉस कम कर पाए, तो 23,500 के नीचे कल निफ्टी बेरिश हो सकता है, तो देख के ट्रेड कीजिएगा, अभी फ़िलहाल वी रिकवरी है तो ये बाइंग साइड में सोच रहा हूँ, मेरा व्यू अभी भी अपसाइड है, जब तक कोई भी नेगेटिव सिग्नल नहीं मिलता, फर्स्ट रेजिस्टेंस फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक नहीं होता तब तक मैं बाइंग साइड सोच रहा हूँ, तो अभी भी ये फर्स्ट सपोर्ट है इसका 23,300 का है, तो वो उसके नीचे मार्केट जाना चालू करेगा तो फिर हम नेगेटिव सोचेंगे, और तब तक हम बुलिश साइड सोचेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।